हाय गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ठंडाई की रेसिपी, जो एक हेल्दी रेसिपी है और पीने में तो बहुत डिलीशियस है। और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत झटपट बन जाती है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, मिश्री, मगज, इलायची, काले मिर्च, सौंफ, खसखस, पिस्ता और केसर। और अगर आपके पास रोज़ पेटल्स हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देर नहीं करेंगे और बनाएंगे अपनी ठंडाई का पाउडर सबसे पहले। और इसके लिए हमने एक जार लेना है और उसमें डालेंगे हम बादाम, काजू, मगज और सौंफ। और इसमें डाला हमने खसखस और पिस्ता, काली मिर्च, और हम डालेंगे इसमें केसर। केसर से बहुत अच्छा कलर आता है। और इसमें इलायची डालेंगे और हमने यहाँ पे मिश्री डाली है धागे वाली, और आप चाहो तो चीनी भी इसमें डाल सकते हो। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड करके एक फाइन पाउडर इसका तैयार करना है। ये देखिए, हमारा ठंडाई का पाउडर बिल्कुल रेडी है। इसको हम एक बार छान लेंगे, जिससे इसमें इलायची के छिलके या फिर जो हमने इसमें मिश्री डाली है वो धागे वाली डाली थी, तो वो भी अच्छे से छन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको छान लिया है और हमारा ठंडाई का पाउडर बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक ब्लेंडर जार में ठंडा दूध डालना है और उसमें डालेंगे ठंडाई का पाउडर और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इसमें अलग सी चीनी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मिश्री ऐड की हुई है। इसे हमने ब्लेंड कर लिया है और हमारी ठंडाई बिल्कुल रेडी है। और फ्रेंड्स, ये ठंडाई बहुत हेल्दी होती है, हमारे माइंड को ये ठंडा रखती है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें बादाम, पिस्ता और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो एंजॉय करिए इस रेसिपी को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय।